डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम हीप ट्री कंस्ट्रक्शन की। तो हीप ट्री कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड गाइस जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, कैसे ट्री को बनाना है, सारे के सारे मेथड्स आपको विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिए तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू हीप ट्री के बारे में डिस्कस किया था कि हीप ट्री होता क्या है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेकिन सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज है हीप ट्री में इंसर्शन कैसे करते हैं, या आप उसको ये भी बोल सकते हो कि हीप ट्री को बनाते कैसे हैं। क्योंकि अगर हीप ट्री को बनाना आ गया, कंस्ट्रक्ट करना आ गया, तो ऑब्वियसली आपको फिर आगे हीप सॉर्ट और ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास हीप ट्री कंस्ट्रक्शन के दो मेथड्स होते हैं, बहुत ही एक मतलब जिसको कहते हैं ना कि यार इस तरीके से आपको बता रहा हूं ये सारे पॉइंट्स कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, इंटरव्यूज कहीं पे भी पूछ लें, आप इजीली आंसर कर सकते हो, कोई क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरी पॉइंट आपको मैं विद प्रूफ बताऊंगा कि कैसे आते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ताकि आप इजीली आंसर कर सकते हो। और इवन अगर आपको इंटरव्यू या क्वेश्चन में कुछ भी चेंज आता है तो आप इजीली उसका आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो दो मेथड्स होते हैं हमारे पास, एक है हीप ट्री को बनाने के लिए, एक मेथड है इंसर्ट की वन बाय वन इन द गिवन ऑर्डर। मतलब आपको एक ऑर्डर दिया होगा, पहले मैं इसी मेथड को एक्सप्लेन करूंगा, आपको एक गिवन ऑर्डर दिया होगा, उसमें नंबर ऑफ कीज रखी होंगी, एक एक करके की को उठाना है और हीप ट्री को बनाते जाना है। लेकिन उस केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है एन लॉग एन, वेयर एन इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहां पे आपको ये क्रैम नहीं करनी, अभी सिर्फ नोट कर लो अपने नोट्स में, एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है अगर मैं ये वाला मेथड, वन बाय वन वाला मेथड यूज करता हूं। इसके बाद अब आपको यही एक्सप्लेन करूंगा। पहले दूसरा आता है हमारे पास हीपीफाई मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीपीफाई मेथड कहता है कि यार वन बाय वन ना करो, आप सारे एलिमेंट्स को पहले लगा लो और फिर उसके बाद हीपीफाई मेथड लगाओ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी ऑर्डर ऑफ n, which is less than the time complexity of this. तो अगर आपको कहीं पे भी पूछ ले तो हीपीफाई मेथड जो है वो ऑर्डर ऑफ n टाइम लेता है। कैसे लेता है इसको भी प्रूफ करके दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कैसे वन बाय वन की को इंसर्ट करके हम हीप ट्री को बनाते हैं। चलिए देखते हैं हीप ट्री कंस्ट्रक्शन बाय यूजिंग वन बाय वन की इंसर्शन मेथड से। हमारे पास यहाँ पे सेट ऑफ कीज दे रखी हैं, कोई भी ऑर्डर दिया हो सकता है, कोई भी कीज दे रखी हैं। अब मुझे करना क्या है, एक एक करके की को उठाना है और हीप ट्री बनाना है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें मैक्स हीप को बनाने जा रहा हूं, ठीक है ना। आप मैक्स भी बना सकते हो, मिन भी बना रहे हो, लेकिन मैं आपको पहले मैक्स हीप बना के दिखा रहा हूं। 14 उठाया, सिंपली मैंने इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। देन मैंने 24 उठाया, 24 को मुझे पता है कि यार ये क्या है, एसीबीटी है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। लेफ्ट में भरेंगे, राइट में भरेंगे, जब लेवल भर गया नेक्स्ट लेवल में लेफ्ट में भरेंगे, राइट में भरेंगे, इस तरीके से आपको चलते जाना है। तो 24 को मैंने लगा दिया, मतलब जब मैं की को उठा के लगा रहा हूं तब मैं सिंपली ऑर्डर ऑफ वन में लगाता जा रहा हूं। जैसे 14 को लगाया, कुछ भी नहीं किया, लगा के छोड़ दिया। 24 को लगाया, लगा दिया, ऑर्डर ऑफ वन में लग गई। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि की तो लगा दी, बट क्या ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? नहीं, यहां पे मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जो चाइल्ड है वो पेरेंट से क्या हो गया, बड़ा। लेकिन चाइल्ड पेरेंट से छोटा होना चाहिए, या आप कह सकते हो कि पेरेंट बड़ा होना चाहिए मैक्स हीप के केस में। तो यानी मैंने यहां पर क्या करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा। तो जब कंपेयर किया मुझे लगा कि गड़बड़ है, अब मैं स्वैप करूंगा। तो स्वैप करने का मतलब क्या है, 24 जाएगा ऊपर और 14 आएगा नीचे। तो लो जी, 24 गया ऊपर, 14 गया नीचे, दैट्स इट। इस तरीके से आपको बनाते जाना है। देन 12 जैसे ही आया मैंने लगा दिया। 12 को लगाने के बाद आपने 12 को जस्ट अपने पेरेंट से कंपेयर किया, भैया पेरेंट से छोटा है तो कोई गड़बड़ नहीं है, मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, दैट्स इट। नेक्स्ट 11, अब 11 देखो लेवल भर गया, फिर लेफ्ट में जाएंगे, 11 यहां पे आ गया, 11 यहां पे लगाया। 11 को लगाने के बाद फिर प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी यहां पे फुलफिल हो रही है, 14 जो पेरेंट है वो चाइल्ड से बड़ा है, तो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो हो रही है, कुछ नहीं करना। देन आ गया 25, अब लेफ्ट में भर दिया, अब राइट में भरेंगे 25 को लगाने के बाद फिर चेक किया कि क्या 25 अपने पेरेंट से
बड़ा है या छोटा है? भैया पेरेंट तो छोटा हो गया चाइल्ड से, यानी गड़बड़ है। तो मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा 25 और 14 को, तो 25 बड़ा है, चाइल्ड बड़ा है, तो चाइल्ड को मैं एक तरह से 25 को ऊपर ले गया और 14 को नीचे ले आया, मतलब ये यहाँ पे 14 आ गया और यहाँ पे 25 आ गया। गेटिंग द पॉइंट ऑन ऑर्डर? अब क्या ये यहाँ पे मैक्सी बन गया? नहीं, अभी भी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? 25 को आप यहाँ पे ले आए, 14 को यहाँ पे ले आए, ये तो ठीक किया, लेकिन जब आप 25 को यहाँ पे ला रहे हो तो 25 को आप कंपेयर करो उसके पेरेंट से, तो उसका पेरेंट कौन है? 24, तो ये फिर गड़बड़ है। तो यानी इसको हम क्या करेंगे, 25 को ऊपर लेके जाएंगे, 24 को नीचे लेके आएंगे, तो नया जो है वो इस तरीके से बन जाएगा, 25 यहाँ पे आ गया, 24 मेरा यहाँ पे आ गया, बाकी का ये जो 12 है वो एज इट इज है और ये 11 एज इट इज है, और यहाँ पे जो ये देखो 25 यहाँ पे आ गया, 24 यहाँ पे आ गया, तो ये जो मेरा 14 था जो पहले यहाँ पे आ चुका था उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। नाउ इट इज व्हाट, मैक्सी। तो आपको करना क्या, एक तरह से जब भी आप स्वैप कर रहे हो तो स्वैप करने के बाद एक बार छोड़ना नहीं है, उस स्वैप को दोबारा से उसके पेरेंट से भी चेक करो कि हो सकता है उसका पेरेंट अब गड़बड़ हो गया हो, तो इसीलिए आपको पूरा एक तरह से आप कह सकते हो जो हाइट है ना, हाइट ऑफ व्हाट, बाइनरी ट्री, जो हाइट ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, वहां तक आपको फुलफिल करनी है ये चीज। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया 14 हमारा हो गया, 25 हो गया, नेक्स्ट आया 8। अब देखो 8 मेरे को क्या करना है, सिंपली यहां पे लगा देना है, तो देखो अभी भी पेरेंट बड़ा है, कोई गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट आया जी 35, तो 35 यहां पे लगा दिया, क्या कोई गड़बड़ है? हाँ, देयर इज अ प्रॉब्लम, 12 जो है वो छोटा है, तो मैंने इसको ऊपर ले गया और इसको नीचे ले आया, मतलब 35 कहाँ गया? ऊपर गया और 12 जो है वो नीचे आया, तो 35 मेरा यहाँ पे आ गया, 12 एक तरह से यहाँ पे आ गया, तो 35 जब यहाँ पे आ गया क्या ये मैक्सी पे? नहीं, अब दोबारा से इसके ऊपर वाले लेवल पे भी चेक करना है, तो इसका जो पेरेंट है दैट इज 25, ये अब छोटा है, तो यानी इसको मैं काट के यहाँ पे 35 लिखूंगा और 25 एक तरह से यहाँ पे आ जाएगा, तो नया जो है वो इस तरीके से बनेगा आपका, 35 के लेफ्ट में 24 एज इट इज, लेकिन राइट में अब क्या हो गया, 25 आ गया, ठीक है। अब इसके लेफ्ट में 11 एज इट इज, इसके राइट में 14 एज इट इज, इसके लेफ्ट में 8 एज इट इज, लेकिन इसके राइट में अब जो 25 तो यहां पे हम ले आए, लेकिन जो ये 12 था जो यहां पे था वो 12 यहां आ चुका था, तो मैंने 12 यहां पे लिख दिया, तो दैट्स इट, दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट द हीप। तो मैक्स हीप के केस में इस तरीके से एक एक करके आपको चेक करते जाना है। अब यहां पे देखो, अगर हम एनालिसिस की बात करें कि यार कितना टाइम लग रहा है, जब देखो आपने की को इंसर्ट किया तो आपने सिंपली ऑर्डर वन, मतलब कुछ नहीं है, की को लगा दिया आपने। अब की को लगाने के बाद आप क्या कर रहे हो, की को लगाने के बाद आप कंपेयर कर रहे हो। जैसे मैं आपको एक और बिल्कुल वर्स्ट केस दिखाता हूं, जैसे लेट्स से इसके बाद मैंने ऐड करना है 45। अब आपको एनालिसिस जो है वो क्लियर होगा कि कैसे काम करता है, क्या टाइम आएगा, कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी। 45 आया तो मैंने सिंपली 45 को यहां पे लगा दिया, ठीक है ना, पहले लगा दो एसीबीटी के अकॉर्डिंग, जहां पे वो फिट बैठ रहा है उसको लगा दो, तो एसीबीटी के अकॉर्डिंग 45 यहां बैठ रहा है क्योंकि यहां तक लेवल भर चुका है। अब 45 यहां पे आ गया, अब मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा इसको पेरेंट के साथ, मतलब 45 यहां पे आएगा, 11 यहां पे आएगा। कंपेयर करने के बाद पता लगा ना कि यार पेरेंट तो छोटा है, यानी इसको बड़ा करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, स्वैप किया, तो 11 मेरा एक तरह से यहां पे आ गया, 45 यहां पे आ गया। जब 45 यहां पे आया क्या ठीक था? नहीं, पेरेंट छोटा है, तो यानी मैं 24 जो है वो उसको खिसका के इधर कर दूंगा और यहां पे 24 और 45 एक तरह से यहां पे आ जाएगा। क्या अभी भी ठीक है? नहीं, अभी भी गड़बड़ है, 45 एक तरह से यहां पे आएगा और 35 यहां पे आ जाएगा, अब जाके ये बिल्कुल फिट बैठेगा। तो कहने का मतलब क्या है, आप कितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस कर रहे हो, कितने नंबर ऑफ स्वैपिंग्स कर रहे हो। वर्स्ट केस में आप अगर पहले कंपैरिजन की बात कर रहे हो तो देखो आपको हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री, हाइट यहां पे कितनी बनेगी, हाइट जो है आपको ऑलरेडी पता है कि बाइनरी ट्री की हाइट क्या बनती है, बाइनरी ट्री की हाइट जो है वो हमारे पास क्या बन रही है, लॉग एन, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से कंप्लीट बाइनरी ट्री है। नॉर्मल बाइनरी ट्री में तो हो सकता है कि मैं एक तरफ लगा दूं सारे एलिमेंट्स, लेकिन ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो मैं लेफ्ट राइट एक तरह से फुल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो हाइट मेरी जाएगी क्या, लॉग एन, मैक्सिमम हाइट क्या गई, लॉग एन। तो यानी आप मैक्सिमम एक एलिमेंट को ऐड करने के लिए, एक एलिमेंट को ऐड करने के लिए कितने नंबर ऑफ स्वैप्स कर रहे हो, लॉग एन, कितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस कर रहे हो, लॉग एन। तो दैट इज व्हाट, 2 log n, जिसको आप ऑर्डर ऑफ लॉग एन ही बोल सकते हो, यानी एक एलिमेंट को, ये नोट कर लेना,
एक एलिमेंट को वर्स्ट केस में कितना टाइम लग सकता है ऐड करने में, लॉग एन टाइम लग सकता है। तो अगर आपको कहीं भी पूछ लें कि अगर आपको ही बनाना है, ही बनाना है, अगर आपको एक एलिमेंट को ऐड करने में टाइम कितना लग रहा है आपको, लॉग एन, और अगर आपको एन एलिमेंट्स को ऐड करना है तो ऑब्वियसली कितना टाइम लगेगा, एन लॉग एन। आपका टाइम जो है वो वर्स्ट केस में कितना जा सकता है, एन लॉग एन टाइम जा सकता है। ये जो है वो अगर आप वन बाय वन की इंसर्शन मेथड से करते हो। ऑल्दो देखो, अगर मैं यहां पे इसको बनाने के बाद लेट्स से मैं यहां पे टू ऐड करता हूं, तो टू ऐड करता हूं तो कुछ भी नहीं करना, ठीक है, टू ऐड किया, दैट्स इट, छोड़ दिया। मतलब कहने का यहां पे तो नहीं करेंगे, वैसे टू यहां पे ऐड करेंगे, बट कहने का मतलब क्या है, जरूरी नहीं कि सारे एलिमेंट्स के लिए ही स्वैपिंग और कंपैरिजन करना पड़ता है, लेकिन इस तरीके से अगर हम वर्स्ट केस बना के देखें, जैसे मैंने 45 यहां पे लगाया, तो वर्स्ट केस आपको बना के दिखाया कि अगर 45 लगाता हूं ना, तो वर्स्ट केस में नंबर ऑफ कंपैरिजन हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री एंड नंबर ऑफ स्वैपिंग्स हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री, तो दैट इज व्हाट लॉग एन प्लस लॉग एन, विच इज टू लॉग एन, लेकिन उसको हम ऑर्डर ऑफ बिग ऑफ क्या लिखते हैं, लॉग एन। तो ये एक एलिमेंट की टू इंसर्ट अ की इनटू ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हीप इन द वर्स्ट केस, लॉग एन कंपैरिजन, लॉग एन स्वैपिंग, विच इज व्हाट एक तरह से एन लॉग एन आप कह सकते हो अगर आपको एन एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो ये वन बाय वन की इंसर्शन से है, जब हिपीफाई से करेंगे तो टाइम रिड्यूस होके लॉग एन की जगह यहां पे ऑर्डर ऑफ एन बन जाएगा, एन लॉग एन की जगह ऑर्डर ऑफ एन बन जाएगा, बट हिपीफाई में कैसे बनेगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। ये नोट कर लेना, दैट इज एन लॉग एन। थैंक यू।